आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, और दिल्ली के अंदर हम हैं इस समय कृष्णसी क्लब के अंदर, और जो यहाँ तीन दिन से जो कॉन्फ्रेंस चल रही है, सेमिनार चल रहा है एजुकेशन को लेकर, इंस्टीट्यूशन ऑब्जेक्टिव स्टडी। हमारे बीच में एजाज अहमद जी जो कश्मीर से हैं और वाइस चांसलर हैं, और आइए हमसे जान। सर, ये आज तीन दिन का जो प्रोग्राम रखा गया था स्टडी पे लेकर, इंस्टीट्यूशन और ऑब्जेक्शन स्टडी, इसका क्या मतलब है? जनाब, मैंने तो आज ही अटेंड किया ये, लेकिन जो इनका देखा मैंने, इनका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है जैसे कि डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो जाए, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, और सबसे जो आज का लास्ट का जो मैंने सेशन अटेंड किया जिसमें पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड इक्वलिटी पर डिस्कशन हुआ, छोटे छोटे बच्चों ने, स्कॉलर्स ने और कुछ बड़े बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, और सबसे सबका यही मानना है, सबकी यही राय है कि कोई भी मज़हब है, मज़हब नहीं सिखाता है आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, तो इसी के इर्द गिर्द जो ये डिस्कशन चलता रहा, और हर एक ने ये बात वाजह की कि कोई भी मज़हब हो, इस्लाम या कोई भी, हमेशा भाईचारे और अमन में रहने की तलकीन करता है। ये आज के सेशन का था, और इससे पहले और भी सेशन हुए जो मुझे मौका नहीं मिला अटेंड करने का। सर, एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, अभी वो बजट पेश हुआ है, और आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं कि सर 70 और 30 गवर्नमेंट देगी, 30% ये यूनिवर्सिटी देगी, तो यूनिवर्सिटी अपनी जेब से क्यों देगी, और जो प्रोफेसर हैं या वो कौन देगा? 70-30 वो शायद जो पे स्केल, उसी के बारे में कर रहे हैं आप, तो उसमें चूंकि यूनिवर्सिटी को भी कुछ अपने रिसोर्सेज जनरेट करने होते हैं, ये नहीं है कि यूनिवर्सिटी जो है हमेशा ये टैक्स पेयर्स के पॉकेट पर चले, तो कोशिश ये रहती है कि यूनिवर्सिटीज़ को अब मौका आया है कि दे मस्ट आल्सो जनरेट देयर फंड्स। अब इसमें ये आपकी बात सही है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पास अभी ये जो 30% देने के उनके पास फैसिलिटी नहीं है, पैसे उनके पास नहीं है, उनके रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन MHRD उनका देख लेगी कि कहाँ तक उनकी हेल्प की जाएगी, वरना बेसिक मकसद ये है कि यूनिवर्सिटीज को भी अपने रिसोर्सेज जनरेट करने चाहिए, कोर्सेज ऐसे लॉन्च होने चाहिए जिनकी करेंसी सोसाइटी में हो, जिनका रिटर्न भी सोसाइटी दे, ताकि फिर, वरना सिर्फ एक टैक्स पेयर के पैसों पर तो यूनिवर्सिटीज़ का चलाना अब बहुत मुश्किल। नंबर बढ़ गया, बच्चों का तादाद बढ़ गया, हर कोई चीज़ बढ़ रही है, सैलरी बढ़ रही है, मतलब एक्सपेंडिचर जो दूसरे कैपिटल नॉन कैपिटल बजट के हेड में बढ़ता जाता है, तो इसलिए मेरे ख्याल में उसी की वजह से जो ये 30% का अभी चल रही चर्चा है, इस पर अभी मेरे ख्याल में ये फाइनलाइज नहीं हुआ, जो यूनिवर्सिटीज़ जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं उनका तो गवर्नमेंट को तो देखना पड़ेगा। सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। सर, ये जो यूनिवर्सिटी है सर, ये तो ये सारा वर्डन तो आपको सर नहीं लगता कि जो स्टूडेंट वहाँ एडमिशन लेंगे कि उन पर पड़ेगा, या जो गरीब लोग हैं, जो गरीब जो स्टूडेंट है, गरीब माता पिता हैं, क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाने में सक्षम रहेंगे? नहीं, आप देखिए इस वक्त जो यूनिवर्सिटी सिस्टम हिंदुस्तान की बात कर ले, आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, और कुछ ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपके पास है, नाम मेरे लिए मुनासिब नहीं रहेगा कहना, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छा खासा काम कर रही हैं लेकिन अच्छा खासा फीस भी दे रही हैं। चूँकि जहाँ तक हायर एजुकेशन का ताल्लुक है, यहाँ पर बहुत कम बच्चे पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक, और ये जो फीस वगैरह तो इससे धीरे धीरे तो ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जंप तो होगी नहीं फीस में, बच्चे भी दे नहीं पाएंगे, लेकिन इसके साथ फीस का कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब एक कंपोनेंट फीस भी हो सकता है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि हमें कुछ कोर्सेज ऐसे स्टार्ट करने चाहिए जो कि कोई इंडस्ट्री स्पॉन्सर कर ले, कोई कॉरपोरेशन स्पॉन्सर कर ले, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर ले, ताकि एक्सचेकर, गवर्नमेंट एक्सचेकर पर कम असर रहेगा। सर, जैसे कि वो PhD होल्डर हैं या MPhil होल्डर हैं सर, उनको इंक्रीमेंट मिलता था, और आज उन्होंने गवर्नमेंट ने सबका उनका इंक्रीमेंट बंद कर दिया। हाँ, चूँकि मैंने खुद अभी ये रिपोर्ट जो 7th पे कमीशन की पूरा डिटेल में स्टडी किया नहीं, ये पहले जो हमारा इससे पहले पे कमीशन रिपोर्ट थी 6th पे कमीशन में, उसमें PhD इंसेंटिव इंक्रीमेंट मिलते थे 3 तक, तो सुनने में आया कि इसमें नहीं है,
तो चूंकि अब मिनिमम क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए पीएचडी है जी। जब आपने पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है तो फिर पीएचडी यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के बाद करने का कोई जस्टिफिकेशन आता नहीं, इसलिए शायद इसको डिलिंग किया है। शायद मेरी बात समझ गए आप जी। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन पीएचडी है जी, पहले पीएचडी से पहले नेट सेट वगैरह होता तो आज जब वो पीएचडी करता था इन सर्विस उसको इंसेंटिव इंक्रीमेंट्स मिलते थे, लेकिन अब आप यूनिवर्सिटी में दाखिल तभी हो सकते हैं जब आपके पास पीएचडी। सर ये आपका मानना नहीं है कि सर जो एजुकेशन है वो दिन पर दिन एजुकेशन का इस तरह गिर रहा है? ये बात सही है आपकी, इसीलिए इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है थ्रू MHRD इवन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें खुद ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब खुद मीटिंग्स लेते हैं ताकि क्वालिटी रिसर्च को कैसे कंट्रोल किया जाए और क्वालिटी एजुकेशन कैसे दिया जाए यूनिवर्सिटीज़ में। इसका मतलब रिव्यू होता है, कम अज़ कम साल में 2 दफ़ा होता है एट द नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर भी इसका रिव्यू होता है। सर ये अधिकतर ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं इनको प्राइवेट की तरफ धकेल रहे हैं, जहाँ एक जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनको ग्रांट देना चाहिए तो अधिकतर प्राइवेट की तरफ ये दौड़ रहे हैं? नहीं नहीं, बात आपकी मतलब सही नहीं है, प्राइवेट की तरफ धकेल नहीं दे रहे हैं, लेकिन चूंकि अगर आप कुछ बाज़ार में ख़रीदना चाहते हैं तो आप देखेंगे पहले इसकी क्वालिटी क्या है, और जहाँ आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी तो उसी दुकान उसी वर्कशॉप उसी फर्म की तरफ आप जाएंगे। इसी तरह चूंकि आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हैं, आप बच्चे आपके हिंदुस्तान के बच्चे पूरे वर्ल्ड में हैं, बाहर के फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे हमारे यहाँ मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, क्योंकि कंपटीशन का वर्ल्ड है, अब तो बॉर्डर्स नहीं है, विंडोज़ ओपन है, तो इसलिए इसमें कंपटीशन सर्वाइवल का मसला है। इफ़ आई एम डिलीवरिंग क्वालिटी एजुकेशन पीपल विल कम टू मी, अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन नहीं डिलीवर करूँगा पीपल विल नॉट कम टू मी। और आजकल के ज़माने में हमारी इतनी तो कॉन्शियसनेस पेरेंट्स में आई हैं, वो खुद सिंपल एक ही दफ़ा का खाना खाएँगे लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे तालीम देंगे, उनके लिए कंसिड्रेशन नहीं रहती है कि फ़ीस मुझे क्या देना है, लेकिन कंसिड्रेशन ये रहती है बच्चे को जो तालीम मिलेगी जिस इदारे में उसको दाखिला देना चाहते हैं तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसके बाद इसका क्या होगा, वही फिक्र रहती है। जैसे हमारे स्टेट में इस वक्त 11 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका रिव्यू गवर्नर साहब लेते हैं, CM लेते हैं, यही मतलब एजुकेशन कमिश्नर लेते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर लेते हैं कम अज़ कम हर महीने, और हर महीने हमें MHRD से यू से चिट्ठियाँ आती हैं रिगार्डिंग क्वालिटी, रिगार्डिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज क्या किए, रिगार्डिंग कम्युनिटी कॉलेज का क्या प्रोग्रेस है, मतलब ये चीज़ें अब मतलब कॉन्शियस हो गए लोग। धन्यवाद सर।